तो जी ईद से पहले मैंने की थी इसकी सफाई, लेकिन मैं जो हूँ ये वीडियो अपलोड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा जी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने किस तरह साफ़ सुथरा किया। इसकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई थी। ऐसे अगर ये होता है कि अगर आपने फ़िल्टर लगाए हो ना, एटलीस्ट आपने अगर दो फ़िल्टर लगाए ना बड़े वाले, तो फिर आपको जो है ना मेरे ख्याल से आपको कोई 4-5 महीना निकल जाएगा। लेकिन हमारे दो फ़िल्टर थे, ख़राब हो चुका हुआ है, तो दूसरा भी फ़िलहाल के लिए लगाया हुआ है। तो मेरे इस दफ़ा निकले हैं तकरीबन शायद 3-3.5 महीने, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ था। मैंने कहा चलो जिसकी सफ़ाई कर लेते हैं। ये मम्मा ने बहुत पहले हमें टेक्निक बताई थी ये पाइप लगाने वाली, और ये सबसे बेहतरीन है। पहले स्टार्टिंग में जब हमें पता नहीं था ना, तो हमें ना भर भर के पानी जो है निकालना पड़ता था, इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब से ये मैंने भारी वाली बजरी दी है ना, ये इतना मुश्किल होता है इसकी सफ़ाई करना कि था धोती होंगे, बहुत ज़्यादा भारी है। वो जो पतली पतली वाली होती है जिसको चिप्स बोलते हैं, वो बहुत हल्की होती है, लेकिन ये होता है खूबसूरत ये लगती है। तो फिर अब क्या करें, या बंदा खूबसूरती को देखेगा या बंदा आसानी को देखेगा, दो चीज़ों में से एक चीज़ को देखा जा सकता है। खैर ये मैंने इसके स्टोन्स वगैरह इसके सारे सेट किए, बस जब सफाई हो जाती है ना, फिर सेटिंग शेटिंग करने में, और बस इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि भाई सेटिंग हो जाए, उसके बाद पानी डल जाए और इसकी मेडिसिन वगैरह डाल के हम अच्छी सी अपनी जो है मछलियाँ प्यारी सी डाल दें और इसकी खूबसूरती देख लें, जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है। तो जी सेटिंग करने के बाद तरीके से आपने अच्छे तरीके से एक साइड पे आपने पाइप पकड़ना होता है, बिल्कुल दरमियान में अगर आप पकड़ेंगे तो बजरी जो है वो जो पत्थर होते हैं वो उठ जाते हैं। तो दवाई जो है इसकी ख़त्म हो चुकी हुई थी, एक ही बची थी, तो मैंने कहा चलो फिलहाल मैं ये तो डाल दूँ, ये ज़रूरी होता है डालना, तो दूसरी जो है ख़त्म हो चुकी हुई थी। और माशाल्लाह से जो है सब ने माशाल्लाह बोलना है, मेरी मछली बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हुई है। पहले इतना ज़्यादा डर लगता था कि हाथ नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब तो भाई बाएं हाथ का खेल है। पहले हाथ में पकड़ते थे तो ये इतना ज़्यादा उछलती थी, कुछ होता था कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन अब तो भाई पक्की वाली प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। और जी ये था इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों ने माशाल्लाह बोलना, वैसे भी मैंने कहीं सुना था कि इसको देख के वैसे डिप्रेशन भी जो है वो कम होता है, और वाकई इसकी जब सफाई हो जाती तो ऐसे ही लगता है कि भाई मेरा डिप्रेशन कम हो रहा है। खैर सफाइयाँ शफाइयाँ करके इस तरह आज का दिन गुजर गया। आप लोगों ने मेरा जो दूसरा क्रेजी कोन का जो ये क्रेजी कोन 2 का जो अकाउंट है, आपने ये जो है लाजमी फॉलो करना है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।